हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड टिप्स आपको बताता रहता हूं, और जो मुझे परेशानी होती है या जो मैं महसूस करता हूं, तो ऐसी परेशानी आपको भी आती होगी अपनी लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस को चलाते समय। तो आज एक मेरे पास ट्रिक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में जब आप मशीन वॉश करते हैं या मैनुअल वॉश करते हैं, तो गलती से ऐसा होता होगा कि आपसे भी कपड़े फट जाते हैं, और उस समय कस्टमर के कपड़े जब फट जाते हैं तो एक टेंशन वाली बात हो जाती है। तत्काल में अगर आपके आसपास बढ़िया रफू करने वाला है, तब तो आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप महसूस करेंगे कि कस्टमर आज ही कपड़ा लेने आने वाला है और आज ही आपसे कपड़ा वो फट गया, तो फटाफट उसकी रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। तो यह वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आप अपने फटे हुए कपड़े को 5 मिनट के अंदर में किस प्रकार से स्टिच कर सकते हैं या उनको रफू कर सकते हैं, तथा ये कितना कारगर होगा आपके लिए, इस पे यह वीडियो है। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास ये एक डबल साइड कोई एक एक्सपोर्ट लाइन में यूज होता है, वही एक फिल्म है। सेलो टेप तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह का ये टेप है जो कपड़े और फटे कपड़े को दोनों को जोड़ देता है। मैंने एक कपड़ा लिया है और आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको बीच में कैंची से काट दिया है। मेरे पास कोई फटा कपड़ा नहीं था, तो मैंने एक कपड़ा लिया, उसको काटा, देखिए ये फट गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब मुझे इसको रिपेयर करना है। इसको रिपेयर करने के लिए इसी में से मैंने एक कपड़ा लिया है, या जिस रंग का कपड़ा आपका फटा हो उसी रंग का एक कपड़ा आपको चाहिए। अब इसको समझते हैं कैसे आपको करना है। तो इसी में का मैंने एक कपड़ा यहाँ काट लिया है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, तो उसी कपड़े के मोहरे में या अस्तर से आप वो कपड़ा निकाल सकते हैं, या इससे मिलता जुलता कपड़ा आप नीचे लगा सकते हैं। अब करने के लिए ये हमारे पास एक टुकड़ा है, इसको आप नीचे रखिए, और ये टेप है, इसी साइज का आपको ये टेप यहाँ पे लगाते जाना है, जितना आपको आवश्यकता हो। ये मैंने एक लेयर इस यहाँ पे लगा दिया है, अगर आपको देख पाए बहुत ट्रांसपेरेंट है, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी ये मैंने इस पे लगा दिया। और ठीक जहाँ पे आपका कपड़ा फटा है, उसी के नीचे आपको ध्यान से रख देना है। मैंने इस पे रख दिया है। ये कपड़ा थोड़ा सा पॉलिस्टर है, इसलिए इसको चिपकाने के लिए मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रखूँगा, क्योंकि पॉलिस्टर पे डायरेक्ट प्रेस रखने से ये चिपक जाएगा। कॉटन कपड़ा होता तो कोई बात नहीं है, मैंने इसके ऊपर रख दिया। अभी कपड़ा कॉटन का इसके ऊपर मैंने रख दिया। अब ये गर्म प्रेस है, नॉर्मल प्रेस है, कोई स्पेशल नहीं है, जितना नॉर्मल इस कपड़े के लिए गर्म जरूरत उतना करिए, और इसको आप इस पर चला दीजिए। जो टेप था वो एक तरह से गमिंग टेप है, जो फैब्रिक को आपस में जोड़ने का काम करता है, जहाँ नए कपड़े बन। प्रेस मैंने इस पर गर्म करके रखा हुआ है, क्योंकि ये गर्म से ही चिपकता है। तो अब दोस्तों देखो, ये किस प्रकार से कपड़ा आपस में चिपक गया है, निकालने से भी ये निकल नहीं रहा है, और थोड़ा सा बारीकी से करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कपड़ा कहाँ से फटा है, और तत्काल में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और ये पानी में भीगता है तो भी ये निकलता नहीं है।
कहीं से भी दिखाने पे ये निकलेगा नहीं। आप देख पा रहे हैं दूर से तो पता भी नहीं चलेगा। मैं निकालने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में ये कपड़ा आ नहीं रहा है नीचे वाला। तो यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर तत्काल में कोई कपड़ा फट गया है तो उसको आप रफू कैसे कर सकते हैं। लगभग ये सभी तरह के कपड़ों में, रंगीन हो वाइट हो, सब तरह के कपड़ों में काम करता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से फटे हुए कपड़े को विद इन 5 मिनट आप रिपेयर कर सकते हैं। और कहीं ऐसी जगह फटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा के अपना काम चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, जरूरी बात, अगर आपको ये टेप की आवश्यकता हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अपने परेशानी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।